हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बीकानेर स्कूल. इट्स अ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मेवाड़ एंड बूंदी सब स्कूल्स. इफ़ यू हैवन वॉच्ड इट येट, देन यू कैन विजिट माई चैनल. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. बीकानेर इज द सब स्कूल ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द मुगल्स, बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द एंड. ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि जितने भी राजस्थान के सब स्कूल्स थे सब मुगल्स के कंट्रोल में आ चुके थे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा सब स्कूल था जो एंड तक उनके कंट्रोल में नहीं आया था. सो बीकानेर स्कूल ऑलवेज रिमेन्ड अंडर मुगल इन्फ्लुएंस रेदर देन राजस्थानी स्टाइल इन्फ्लुएंस. और बीकानेर स्कूल ऐसा स्कूल था कि जो मुगल इन्फ्लुएंस के अंडर रह के ही इसने काम किया था, जबकि राजस्थान स्टाइल का इन्फ्लुएंस इस पर कम था. द बीकानेर रूलर्स हैड क्लोज एसोसिएशन विद द मुगल एम्प्रेस. उनका मुगल एम्प्रेस के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था. एज राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर वॉज वेरी क्लोज टू मुगल एम्प्रेस लाइक अकबर एंड जहांगीर. फाइन. अब जो मुगल्स थे वो बीकानेर के जो जितने भी एम्प्रेस थे रूलर्स थे उनको गिफ्ट की फॉर्म में पेंटिंग्स दिया करते थे. फाइन. मुगल गेव गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स टू बीकानेर रूलर्स. क्लियर? नाउ अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, बीकानेर स्कूल का सब्जेक्ट मैटर क्या था. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बीकानेर वॉज रिलेटेड टू इंडियन माइथोलॉजी. जितनी भी बीकानेर स्कूल के अंडर पेंटिंग्स बन रही थी वो सब इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड थी, एज रागमाला सीरीज, भगवत पुराण सीरीज, रासलीला थीम एटसेट्रा. क्लियर? पोर्ट्रेट्स वर पेंटेड एंड हंटिंग सीन्स वर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली पेंटेड. तो इस टाइप से यहाँ पे मैक्सिमम हंटिंग सीन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का भी काम हुआ था बीकानेर स्कूल के अंडर. अब आर्टिस्ट कौन कौन से थे बीकानेर स्कूल के अंडर, कौन कौन से आर्टिस्ट ने काम किया था. ऑल द आर्टिस्ट ऑफ बीकानेर स्कूल वर मुस्लिम. मोस्टली मुस्लिम आर्टिस्ट थे जिन्होंने बीकानेर स्कूल के अंडर काम किया था, बट पेंटेड हिंदू थीम स्किलफुली. मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने जितने भी थीम्स को पेंट किया था काफी स्किलफुली काम किया था. फॉर एग्जाम्पल रसिक प्रिया, वर्ष विहार एटसेट्रा. अब जो अली राजा एंड हिज सन हसन राजा वर एमंग द चीफ आर्टिस्ट ऑफ बीकानेर स्कूल. बीकानेर स्कूल के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट में अली रजा और उसका जो सन है हसन रजा का नाम आता है. फाइन. आफ्टरवर्ड्स रुकुद्दीन केम एज अ फेमस पेंटर हु वॉज वेरी एक्सपर्ट इन पेंटिंग द फीमेल फिगर्स एंड पोर्ट्रेचर. इसने मोस्टली फीमेल फिगर्स एंड पोर्ट्रेचर के ऊपर काम किया था. एंड ही ऑल्सो इलस्ट्रेटेड रसिक प्रिया. रसिक प्रिया भी इसने इलस्ट्रेट की थी. लूफा. अब लूफा कौन था, लूफा वॉज द लास्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस स्कूल. बीकानेर स्कूल के लास्ट आर्टिस्ट के नामों में लूफा का नाम आता है. ही वॉज एक्सपर्ट इन नेचर पेंटिंग. इसने नेचर के ऊपर काफी पेंटिंग्स पे वर्कआउट किया था. हिज वर्ष विहार वॉज अ वेरी फेमस वर्क अंडर बीकानेर स्कूल. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसमें अगर हम मीडियम एंड टेक्निक की बात करें कि किस टाइप के कलर्स का यूज किया गया था बीकानेर स्कूल में, वैसे तो जितने भी राजस्थान के स्कूल थे सब में मोस्टली पेंटिंग्स वर वाटर कलर ऑन पेपर लाइक टेम्परा वर यूज्ड. फाइन. तो बीकानेर में भी इसी तरह की कलर्स को यूज किया गया था, कलर मीडियम्स को. वाटर कलर ऑन पेपर टेम्परा वर यूज्ड इन बीकानेर. दे यूज्ड कलर्स लाइक मुगल्स. अब जो उनके कलर्स यूज करने का स्टाइल था वो प्राइमरी कलर्स में काम नहीं कर रहे थे. उनका जो थोड़ा था कलर स्टाइल यूज करने का था वो डिफरेंट था. दे यूज कलर्स लाइक मुगल्स. दे डिड नॉट यूज प्राइमरी कलर्स, बट दे यूज कलर्स लाइक दैट ऑफ दिल्ली एंड आगरा. वहां के जो आर्टिस्ट थे जिस तरह का काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ के आर्टिस्ट ने काम किया था. फाइन. इन द टेम्परा टेक्निक. अब ये टेम्परा टेक्निक क्या है, एनी टाइप ऑफ ग्लू इज मिक्स विद कलर पाउडर सो एज टू मेक इट सूटेबल फॉर वर्किंग ऑन एनी सरफेस. द ग्लू कैन बी ऑफ एनी टाइप, फ्रेश एग योक ऑल्सो बी यूज. फाइन. आफ्टर दिस मिक्सचर वाटर इज एडेड इन लाइट. द होल मिक्सचर लाइक ग्लू प्लस कलर पाउडर प्लस वाटर ड्राइज क्विकली. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ टेम्परा कलर जो कि मोस्टली सभी सब स्कूल्स में यूज की जा रही थी. तो ये है अब आपका बीकानेर स्कूल. आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट सब स्कूल इज किशनगढ़ स्कूल. दिस स्मॉल स्टेट सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर सॉ अ सडन स्पार्क ऑफ जीनियस व्हेन आर्ट ऑफ अदर स्टेट्स वॉज ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राज सिंह एंड लेटर हिज सन राजा सवन सिंह. अब जो किशनगढ़ स्कूल था इसकी जो स्टेट थी विच वॉज इनहेरिटेड बाई किशन सिंह द एट सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर इज नोन एज
किशनगढ़, जिसको कि किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। अब सावन सिंह कौन था? सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर एंड एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक, पोएट्री एंड पेंटिंग, और वो कृष्ण जी का डिवोटी भी था, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड अ फॉलोअर ऑफ वल्लभ सेक्रेटरी, फाइन। ही रोट ओवर 50 बुक्स अंडर पेन नेम नागरी दास। अब आपसे वन मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, हु वॉज नागरी दास, देन यू हैव टू राइट सावन सिंह, फाइन। ही फेल इन लव विद अ गर्ल हु सर्व्ड एज एन अटेंडेंट टू हिज स्टेप मदर। दिस गर्ल हुज रियल नेम इज नॉट नोन बट वॉज कॉल्ड बनी ठनी। बनी ठनी मीन्स स्मार्ट एंड वेल ड्रेस्ड। शी वॉज अ सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोएट्री। दे गॉट मैरिड एंड वेंट टू वृंदावन टू स्पेंड देयर लाइफ देयर। They both became a very popular subject for the artist and were portrayed as Radha and Krishna. अब कृष्णगढ़ स्कूल के अंडर जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी मोस्टली राधा एंड कृष्णा जी के ऊपर बनी थी, फाइन। राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी बाई निहाल चंद इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। अब इस पेंटिंग को वर्ल्ड फेमस पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन ऑन सावन सिंह्स वर्क, द सीन फ्रॉम द कोर्ट, रॉयल पोर्ट्रेट्स, भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेद, गीत गोविंद वर ऑल्सो पेंटेड। ब्यूटी इन डिपिक्शन ऑफ वुमेन इज अ चीफ अचीवमेंट ऑफ द स्कूल, बनी ठनी बींग द प्राइम एग्जाम्पल। बनी ठनी तो मोस्ट फेमस पेंटिंग है इस टाइम की, फाइन। और इवन इस पेंटिंग के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प को भी इशू किया गया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया, फाइन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि अंडर राजस्थानी स्कूल विच वन इज अ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, देन यू हैव टू राइट बनी ठनी बाई निहाल चंद, क्लियर। सो अब मैंने आपके दोनों स्कूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट वन स्कूल इज बीकानेर, देन किशनगढ़, फाइन। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।